अपना गुड इवनिंग, आ जाए आ जाए, आते जाए बढ़िया फुर्ती से। ठीक है, और एक और किसका फोन बजने लगा। चल, लास्ट टाइम पे आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की हुई थी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है जो दो तीन बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो याद दिला देते हैं। एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया था करंट क्या होगा, तो अब आपके लेवल की लैंग्वेज में बात करते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या आप कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बात आपसे डिस्कस किया था, सबसे खास बात डिस्कस की थी डायरेक्शन, जिसमें आपसे कहा था स्केलर है पर डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, या आप कह सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सेकंड चीज जो आपसे डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट, वो मेरा ख्याल है आपसे चार्ज कैरियर्स डिस्कस किए हुए थे। चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स पे आप जाएंगे तो चार्ज कैरियर्स में आपसे बताए थे जनरली अगर आपके पास मेटल्स हैं तो मेटल्स में आपके चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इसलिए आपसे भी चर्चा की थी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो आपका कैसा होता है, डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तीसरी चीज जो हमने आपसे डिस्कस की हुई थी वो आपसे कहा था जनरली आपकी करंट क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी इन अ सिंपल क्वेश्चन, चार्ज अपॉन टाइम इन सम कैलकुलस टाइप क्वेश्चन, जो हम अगले टर्न पे क्वेश्चंस लेंगे वो मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और तीसरा मैंने आपसे कहा था इफ अ चार्ज इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ का जैसे एक एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया था, फॉर एन एग्जाम्पल एन एटम, अगर एटम में आपका आता है तो फिर आपका आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ जो आपका टी होगा दैट विल बी टाइम पीरियड, और इस समय आपका आई इज इक्वल्स टू टाइम आपका कितना होना चाहिए, तो टाइम आपका होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टू पाई आर अपॉन वी, अगर वैल्यू रखोगे तो ये आपका क्यू अपॉन टू पाई आर अपॉन वी, तो अपॉन का ये टू पाई आर और ये हुआ इसके साथ का वी। और ध्यान देखें कल एक डाउट था तो फिर से दिखा देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टू पाई आर इन केस ऑफ एन एटम या आपका इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका हो सकता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हो जाएगा क्यू और साथ में न्यू। अब जो बेसिक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे वो था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे फिजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो लगभग लगभग एक ही चीज है, बट मैथमेटिकली दीज आर डिफरेंट। स्पीड आपकी बताती है, ध्यान देखना, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, व्हाट इज द लीनियर स्पीड, तो सपोज करें आप कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड, इट इज द स्पीड। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी आपकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड या यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सिंपली बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी इज अ 10 हर्ट्ज, तो इसका मतलब होगा 10 revolutions आर मेड बाई इलेक्ट्रॉन इन 1 second, शायद नेहा ने पूछा था तो ये समझ में आ गया होगा। और लिखते समय ये याद रखिएगा जब हम भी बनाएंगे, बड़ा बना के दिखा देता हूँ, इसकी पूंछ आपकी इधर बाहर को रहेगी, और जब हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो न्यू की पूंछ अंदर को रहेगी, तो ऐसे आपको राइटिंग में भी समझ में आ जाएगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला मामला है और वो स्पीड वाला मामला है। तो एक तो ये हमने कर लिया, अब जो अगली बात हम करने जा रहे थे एक जनरल आइडिया में लग गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट मूव्स। अब अगले नंबर पे हम गए थे, ध्यान आपका क्या होगा, जहां हमने एंड किया था वो एंड आपने किया था ओम्स लॉ पर, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये आपका किस बात पर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली इट विल डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये हमें मालूम है द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, सो दैट मीन्स लार्जर द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स हैवियर और स्ट्रॉन्गर विल बी द फ्लो ऑफ चार्ज। और इसीलिए ओम्स लॉ जो आपसे कहता है, जो मैंने कंप्लीट लिखा था, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। वी और आई कैसे होंगे, प्रपोर्शनेट। फिजिकल कंडीशंस अनचेंज का मतलब मैंने बताया था लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, ये आपके कैसे होने चाहिए अनचेंज। और फिर एक बताया था इसी में ये आपका किन के लिए वैलिड होता है, केवल और केवल
मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ, जो हम शीट आपके आजकल में डालेंगे उसमें आप ये छोटी चीजें पढ़ सकते हैं। देन द सिंपलेस्ट फॉर्म वी इज इक्वल्स टू आर आई, या आप कह सकते हैं वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये भी आपको मालूम है। आर इज अ कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसी के आगे हम चर्चा को हल्का सा कंटिन्यू करते हैं। आज की चर्चा कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा फोन की बैटरी जो है वो अपने अंतिम सांसों पर है, तो कोशिश करेंगे चलती रहे। तो हम जो बात कर रहे थे वी इज इक्वल्स टू आर आई, रेजिस्टेंस पे आप बात कर रहे थे। दो बातें आती हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर हमने यहाँ लिखा है कि द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली मेटलिक कंडक्टर्स, जो हमारी कल की चर्चा थी, तो क्या कुछ कंडक्टर्स में आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं भी होता है? तो यस, इसी बेसिस पे आप जब सर्किट्स पर जाएंगे, कंडक्टर्स पर जाएंगे, तो सबसे पहली जो बात आपसे डिस्कस करूंगा वो आपसे डिस्कस करूंगा हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं। वन ऑफ द सर्किट्स आर कॉल्ड ओमिक सर्किट्स, और ओमिक सर्किट्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा यार, ओमिक सर्किट्स मतलब द सर्किट्स इन विच ओम्स लॉ इज फॉलोड। तो सिंपल लिख देता हूं, ओम्स लॉ इज ओबेड, या आप कह सकते हैं ओम्स लॉ इज फॉलोड, द सर्किट्स आर ओमिक सर्किट्स। कौन से सर्किट्स होंगे? सो दीज विल बी मेटलिक सर्किट्स, यानी सर्किट्स फॉर्म्ड बाय द मेटलिक कंडक्टर्स, जैसे आपके घर के कॉपर वायर्स। अब टेक्निकल बात पे आते हैं, जब आप इस टाइप के किसी सर्किट को देखेंगे तो ध्यान देखना, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन, अब मेरी बात सुनिएगा, द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, अगर आप पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो मैं इसलिए लिखता जा रहा हूं कि किसी को सुनने में ना आए तो उसको अपना रेफरेंस क्लियर रहेगा ये कैसी होती है। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्यों स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी एक कॉमन सेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको ग्राफ मालूम है। चलो यहां मैं ग्राफ बनाता हूं मजे से। अगर किसी ओमिक सर्किट के लिए ये रहा मेरा आई और ये रहा मेरा वी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मान लेते हैं हम ओरिजिन। अगर आप किसी ओमिक सर्किट के, मैंने कहा था पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे, सो पोटेंशियल एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दिस केस आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट थिंग। तो पहली चीज हमें दिखती है, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन आई एंड वी विल बी इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब जब स्ट्रेट लाइन आती है, तो चूंकि आप 12th में, अभी आपको याद होगा कुछ लोगों को कैपेसिटर्स पढ़ा रहा था उस समय, लास्ट ईयर की एक चीज याद दिलाई थी, मैंने कहा था किसी भी ग्राफ में दो चीजें हमेशा चेक करना, नंबर वन द स्लोप एंड नंबर सेकंड द एरिया विद इन द ग्राफ। तो अभी चलो एरिया नहीं देखते, बहुत ध्यान देखो, स्लोप तो याद है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपके लिए कहलाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, चलो छोड़ो यहीं पे लिखेंगे नीचे, या आपने थीटा बना दिया एंगल। जब आप इस ग्राफ के स्लोप पे जाएंगे, चलो अभी मैं स्लोप निकालता हूँ, तो स्लोप या ग्रेडियंट हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन का होता है टेन थीटा, स्लोप या ग्रेडियंट टेन थीटा जाओगे तो टेन थीटा क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए मैं उल्टा निकाल रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल साफ समझ में आए। स्लोप मैंने क्या कहा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से रहा देखो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखोगे तो ये तुम्हें नजर आएगा दैट विल बिकम वी अपॉन आई। इसलिए इन ग्राफ्स के लिए एक चीज कही जाती है, और वो कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप का मतलब वन बाई एस। देखो ध्यान से, ये अपना स्लोप मैंने निकाल के इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे, जो नए लोग हैं, स्लोप आपका टेन थीटा होगा, आई अपॉन वी, ये ग्राफ हो गया मैथमेटिक्स। आप फिजिक्स में आ जाए, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप अगर आप निकालेंगे वन अपॉन एस, तो वन अपॉन एस कितना आएगा, वन अपॉन एस विल बी वी अपॉन आई, और इसलिए वन अपॉन एस इज इक्वल टू, चलो और लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ये होता है रेजिस्टेंस। अब ओमिक सर्किट्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है इन बोर्ड एग्जामिनेशन, आपसे डेफिनेशन पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स, व्हाट विल बी द डेफिनेशन। पहला सेंटेंस तो सबसे सिंपल होगा, ओमिक सर्किट्स आर दोज सर्किट्स इन विच द ओम्स लॉ इज फॉलोड, और ओम्स लॉ इज फॉलोड
एग्जाम्पल द सर्किट कंटेनिंग मेटलिक कंडक्टर्स, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब असलियत पे जाएंगे, हम आगे बताएंगे द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट्स के लिए। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब दिख रहा है रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप आपको रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आपके बोर्ड के क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार फिर से, वन मार्क्स क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग अक्सर नहीं दे पाते। ध्यान से इधर देखें, यहां पर आपका एक ग्राफ बना हुआ है आई और वी ग्राफ, और ये मेरे पास दो कंडक्टर बने हैं काले काले, एक है आपका ए और एक है आपका बी, और आपसे कहा जाता है द आई वी ग्राफ या द करंट पोटेंशियल ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स मेटलिक कंडक्टर्स ए एंड बी इज शोन इन फिगर। सबको सुनाई दे रहा है आराम से, और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, द आई वी ग्राफ फॉर मेटलिक कंडक्टर्स ए एंड बी इज शोन इन फिगर। आप मुझे बताएं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसका कम। आर ए इज इक्वल्स टू आर बी, आर ए ग्रेटर देन आर बी, आर ए लेस देन आर बी, और नथिंग कैन बी सेड। अगर चार ऑप्शन पकड़ा दूंगा तो क्वेश्चन चला जाएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ। अभी आपसे बोर्ड पे बात करता हूँ, किंतु मुझे बताओ सिंपल भाषा में आर रेजिस्टेंस ऑफ ए या बी किसका ज्यादा होगा। बढ़िया, दिव्या का कहना है आर ए ज्यादा होगा, कुशाग्र शर्मा का आर ए ज्यादा होगा, और इसके अलावा कामश्री का कहना है ए का ज्यादा होगा डेफिनेटली। आकाश शौन भी सेम है और भी है, नेहा का भी यही कहना है, ठीक है बिकॉज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, ये जो आपने आंसर का रीजन दिया है ये थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सब ए का ज्यादा बता रहे हैं। बढ़िया, और जब सब एक का ज्यादा बता रहे हैं तो ऐसा नहीं एक दूसरे चैट देख लेते हो धीरे से, एक ने लिखा है तो सब बोले ए, ऐसा नहीं हो जाता। चलो ठीक है, आए ध्यान देखें ए का ज्यादा क्यों होगा। रीजन ये है रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप आपको बताता है रेजिस्टेंस, यानी ध्यान देखना जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जो आप वी ए वी बी कह रहे हैं वी ए वी बी का यहां मामला नहीं है, बहुत ध्यान देखना द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द स्लोप। जैसे मान चले इस फिगर में छोटा रह गया थीटा है, थीटा भी फैलाऊंगा गंदगी मच जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ कि क्या लिख दूंगा थीटा ए इज लेस देन थीटा बी। अब समझ आ रहा है मैथमेटिकल रीजन जो आप बोर्ड में लिखेंगे, थीटा ए आपका छोटी है थीटा बी ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप समझ आ रहा है रेसिप्रोकल होता है, जिसका थीटा कम है उसका रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा। बस ये बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए हैं, ठीक है ना। अब जाते हैं हम एक सेकंड क्वेश्चन पर, सॉरी सेकंड पार्ट पर, और वो है आपके लिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो चले हम कहाँ थे, यहाँ थे, अब हम बात करेंगे एक अगली, यहीं फैला लेते हैं यार। अगला हम जाएंगे कौन से सर्किट्स पर, आप जाएंगे नॉन ओमिक सर्किट्स। इसकी डेफिनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। द सर्किट्स इन विच द ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड या नॉट ओबेड एक्यूरेटली और कंप्लीटली, ये सर्किट क्या कहलाते हैं, ये सर्किट आपके लिए कहलाते हैं नॉन ओमिक। एग्जाम्पल होते हैं फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स, एग्जाम्पल होते हैं आपके डायोड, आपके ट्रांजिस्टर्स एटसेट्रा, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इन पे भी हम बात करेंगे वक्त आने पर। और जब हम इनके लिए जाते हैं तो जैसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ दिखाता हूँ, ये मैं किसी जिस चीज के लिए ग्राफ बना रहा हूं उसका नाम है, तो अभी ये मत पूछना ये है क्या, ये कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, तो हमारे सिलेबस में आएगा तब हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं मान चलता हूँ आई हैव अ पीएन जंक्शन डायोड, अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए ये ग्राफ आता है, अभी ये ग्राफ समझ में आया इस ग्राफ में और इसमें क्या फर्क है, इस ग्राफ और इस ग्राफ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, द आई एंड वी आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सही है कि भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी तो सब में होगा लगभग लगभग, लेकिन मैंने कहा इन दिस फिगर
द वोल्टेज एंड करंट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. हेयर द कर्व ऑन बोथ द साइड्स इज शोइंग दैट पोटेंशियल एंड करंट आर नॉट डायरेक्टली आपके. और इसका मतलब यहां पर हमारे लिए क्या होगा, ये सर्किट कहलाएगा नॉन ओमिक सर्किट. और नॉन ओमिक समझ में आ गया होगा, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता हुआ जा रहा है. अब एक लास्ट चीज, अगर ये नॉन ओमिक है, थोड़ा सा इस ग्राफ को और वैसा बना देता हूँ, आपको दिखेगा कलर थोड़ा चेंज किया गया. ओके अब यहाँ एक सेकेंड, और मैंने कर्व ध्यान देखिए इसमें और इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या चेंज नजर आ रहा है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है. स्ट्रेट लाइन और कर्व आपने पढ़े हुए हैं, क्या है समझ में आता है इन दिस ग्राफ. चले सिंपल भाषा में बात करते हैं, मान चलते हैं इफ यू आर ए बायो स्टूडेंट, क्या ऐसा समझ में आ रहा है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स द स्लोप इज कॉन्स्टेंट. अभी मेरी बात ध्यान देखना, स्लोप थीटा आप चाहे यहाँ मेजर करें, चाहे यहाँ मेजर करें, चाहे यहाँ मेजर करें, थीटा विल बी अ कॉन्स्टेंट. लेकिन इस ग्राफ के लिए ध्यान से देखो, इस ग्राफ में तुम्हारे निगाह जाएगी, इस ग्राफ का यहाँ पर स्लोप कम है, इसलिए मैंने ग्राफ को रेड कर दिया था. और इस पॉइंट पर आप देखेंगे इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप तो समझ में आता है, हिंदी में बात करते हैं ढलान. इस ग्राफ की ढलान ध्यान देखना, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग. तो पहली बात तो मैथमेटिकली बताता हूँ, मैथमेटिकल बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा. ये ग्राफ बता रहा है स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये ग्राफ बता रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर. अब दूसरी चीज ध्यान से देखें, यहाँ स्ट्रेट लाइन थी, आपका स्लोप या ढलान बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, और यहाँ आपका ध्यान जाएगा ग्राफ धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज चेंजिंग. नहीं दिख रहा तो और बड़े तौर पे दिखाता हूँ, ध्यान देखना एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बना देता हूँ इस कर्व को. वैसे आपको याद आएगा लास्ट ईयर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इस टाइप के ग्राफ बनाते थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वहां से बताते थे. यहाँ देखो यहाँ स्लोप बहुत कम है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्लोप बढ़ गया, यहाँ स्लोप और ज्यादा हो गया. तो वहां बताया था वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो काला जो ग्राफ था उसका स्लोप वेलोसिटी बताता था. इसमें कहते थे वेलोसिटी इज चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. उसका एग्जाम्पल अगर याद आ जाए तो वो भी सही है. यहाँ भी आप देखेगा ढलान या स्लोप बराबर बदल रहे हैं, ढलान या स्लोप बदल रहे हैं, मतलब ये आर कॉन्स्टेंट नहीं है. और अगर ये आर कॉन्स्टेंट नहीं है तो मतलब ओम्स लॉ इज वायोलेटेड, ओम्स लॉ आपका यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है. और अगर नहीं है तो फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक नई चीज लेते हैं, ध्यान देखना. यहाँ पर हम कहते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वन अपॉन एस तो समझ में आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप की बात कर रहे थे. जब यहाँ पर आप देखेंगे हर पॉइंट पे आपका स्लोप अलग अलग है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर जो आप स्लोप देंगे वो ध्यान देखना यहाँ दिया जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. आप पूछेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कैसा, तो चलो हल्का सा कई जगह क्रिएट कर लेता हूँ ताकि तुम और थोड़ा सा डिटेल में, क्यों है जूम की क्लास है, छोटे में तुम्हें दिखेगा नहीं, ये दिक्कत आ जाती है कई बार, है ना. थोड़ा सा ग्राफ को मैं यहाँ ऐसा कर लेता हूँ. अगर मैं मान चलता हूँ लेट इट बी द ग्राफ, अब ये ग्राफ सबको नजर आ रहा होगा कैसा हो गया, कर्व्ड ग्राफ हो गया है, दैट इज आई एंड दैट इज वी, और ये मैंने लिया आपका ओ. अब इस ग्राफ में जो मैं बात कर रहा था, स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट, यहाँ स्लोप कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, बढ़ गया है. और अगर बढ़ गया है तो आप देखेंगे किसी भी एक जगह का स्लोप, फॉर एग्जांपल आप इस एरिया पर जाएं, यहाँ का स्लोप, और ऐसे ही किसी अदर पॉइंट का स्लोप. मैं ऊपर और दूर मार्क करता हूँ ताकि आपको नजर आए थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंट्स के आप देखें एंगल्स में अंतर है, इसका एंगल कम आ रहा है, ऊपर वाले का एंगल ज्यादा आ रहा है. इसलिए जो मैं कह रहा था यहाँ जो आप वन अपॉन स्लोप निकालेंगे, एस स्टैंड्स फॉर द स्लोप, जो अभी हमें आप बता रहे थे, यहाँ आपका वन अपॉन स्लोप ध्यान है, स्लोप था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रिवर्सल क्या होगा, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी रेजिस्टेंस होगा. लेकिन अब दिक्कत है,
अभी आपसे कहा गया था कि इस केस में रेजिस्टेंस इज अ कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका बराबर चेंज हो रहा है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। दिक्कत ये है फिजिक्स में, हमने कॉन्स्टेंट को रेजिस्टेंस नाम दिया था, तो यहाँ तो ये कॉन्स्टेंट है ही नहीं, इसको आप रेजिस्टेंस नाम नहीं दे सकते, इसीलिए इसको एक खास नाम दिया जाता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर सफिक्स डी, और ये कहलाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। मेरा ख्याल है डायनामिक वर्ड का मतलब मालूम होगा, डायनामिक मतलब ही होता है क्या कहा जाए, मूवेबल या इस टाइप का, जो चल फिर रहा होता है, एक्चुअली रेजिस्टेंस चलेगा नहीं, मूवेबल से मतलब है द वैल्यू इज चेंजिंग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंस्टेंस पर इसका रेजिस्टेंस चेंजेबल है ये रेशियो, तो हमने क्या नाम दिया इसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब लास्ट एक मिनट में मैं बता देता हूँ दोबारा से, ओमिक सर्किट्स कौन से होंगे, ओम्स लॉ इज फॉलोड, दैट्स ऑल, वो तो वैसे ही मालूम था। फिर क्या कहेंगे, ओमिक सर्किट्स आर दोज इन विच द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। आवाज नहीं आ रही तो मैं इधर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको पास कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये कुशाग्र समथिंग इज आस्क्ड है ना, ठीक है, ये आपका जो है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ द स्लोप टेन थीटा इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने दिखाने के लिए किया। नाउ जो हमें चाहिए रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप वन बाई एस, दैट विल बी वी अपॉन आई, इट इज अ कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फिर ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो आपने सही जवाब दिया था। नाउ इन केस ऑफ द नॉन ओमिक सर्किट्स, दीज आर द सर्किट्स इन विच ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड, वाई, बिकॉज द ग्राफ बिटवीन द वी एंड आई इज समवॉट कर्व्ड, एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर एटसेट्रा आते हैं, कर्व्ड ग्राफ में क्या होगा, द वन अपॉन स्लोप, अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, तो दिस विल बिकम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एज द रेजिस्टेंस और द स्लोप इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो नाउ इट इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टेंस बट इट इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या ये कहानी क्लियर हो जाती है, इसका एक छोटा सा स्क्रीन शॉट लें मनोरंजन के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और किनारे हो जाओ, छाया आ रही है मेरी। बढ़िया, अब एक नेक्स्ट ले लिया, चले अब एक नेक्स्ट चीज पर हम लोग जाएंगे, जो आप ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स पढ़ लेते हैं, एक रेजिस्टेंस का आपको रफ आइडिया लग गया। इसके बाद अपने पास एक छोटी चीज और आती है, और वो अगली जो कहानी आएगी उस पर फिर हमारी अब सारी की सारी फिजिक्स आगे की बेस्ड होगी। तो अभी हमने कहा था बेसिक कंसेप्ट, छोटे छोटे चीजें हम डिस्कस करते जा रहे थे, छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस, एक्चुअल जो हम स्टार्ट करेंगे अपने लिए वो अपना होगा बताए ड्रिफ्ट स्पीड। अब जो हम जाते हैं यहाँ पर हम एक बात करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। अब सवाल आता है ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब देखोगे, ड्रिफ्ट मतलब होता है कहीं ना कहीं सरकना या खिसकना, लाइक वाइज। सो वॉट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट स्पीड, नंबर वन ये कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है, हाउ द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, आखिरकार किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे होती है, तो कैसे फ्लो होती है वो आपको मालूम है। मैं मान चलता हूँ, ध्यान देखना, मैं एक कंडक्टर मोटा बना रहा हूँ, कोई भी इतना मोटा तार इस्तेमाल नहीं करता, मैं भी मान के चल रहा हूँ कि आप इस कंडक्टर को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, और जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, देन द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स थ्रू दैट कंडक्टर, दैट इज अ वेरी कॉमन फैक्ट। सो हाउ दिस पॉसिबल, ये आखिरकार होता कैसे है, इसके पीछे रीजन ये ध्यान देखना, इस मेटलिक कंडक्टर में आपको नजर आएगा देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम कल भी बात कर रहे थे, जब तमाम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो व्हेनेवर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अब मैं स्टेप्स बताता रहता हूँ, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अच्छा भैया, दोनों एंड्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वन एंड विल बिकम पॉजिटिव, अदर एंड विल बिकम नेगेटिव, तो फिर आपका क्या होगा, तो फिर अगला स्टेप होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, ये भी समझ में आ रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते आना,
इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम दो तीन डेरिवेशंस लेंगे लगातार, शुरुआत हर बार यहीं से होगी। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप। यहाँ पर कहीं एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप होगी। क्या तुम्हें याद है जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज मौजूद है, चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसका मतलब तीसरा काम क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। इसलिए मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कंसेप्ट हर बार के लिए क्लियर रहे। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे देन क्या होगा, आपको मालूम है एफ इज इक्वल्स टू होता है एम ए। फोर्स की डेफिनेशन लास्ट ईयर की याद है, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच एक्सेलरेट्स द बॉडी। तो डेफिनेटली जब ये फोर्स आप अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होगा, सो इट विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, कल हम लोग एक बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं या अपोजिट टू फील्ड जाएंगे, ये नेगेटिव से रिपेल होंगे और पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, यानी ये बड़ा सा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन बड़े नहीं होते तो आपको दिखना रहे इसलिए बना दिया है। इलेक्ट्रॉन का भागेगा दिख रहा होगा इस साइड, इस पर फोर्स अप्लाई होगा और ये चलना शुरू हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब जैसे ही ये चलना होगा तो ये हो गया फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट, यानी कि आप कह देंगे द फ्लो ऑफ करंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। लेकिन यहां समस्या अगली यहां से शुरू होती है। अब क्या आपने एक अंदाज लगाया है, किसी लेजम से जो पानी फ्लो होता है और किसी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। लेजम जो आपके पानी का पाइप आता है, लेजम माने तो मालूम है द पाइप, पाइप पाइप इज ऑलवेज हॉलो, खोखला होता है। आप एक एंड से पानी डालते हैं, पानी सर्र से दूसरे एंड से बाहर निकल आता है बिना किसी रुकावट के। क्या आपके वायर हॉलो होते हैं, आपको मालूम है वायर्स आर सॉलिड कंडक्टर्स। अब यहाँ एक सवाल बनेगा, जैसे पानी सर्र से क्रॉस कर जाता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन सर्र से क्रॉस कर सकते हैं? सो डेफिनेटली द आंसर इज नो, एंड दैट्स वाई वन बाई वन थ्री डिफरेंट कंसेप्ट्स अपीयर, जिनमें से सबसे पहला कंसेप्ट आता है ड्रिफ्ट स्पीड। अब ड्रिफ्ट स्पीड के कंसेप्ट को समझने के लिए एक मिनट के लिए ध्यान से सोचें। हम में से ज्यादातर लोगों ने आई होप सो मेला ग्राउंड देखा होगा। मेला ग्राउंड में आपने ध्यान दिया इंटरनल रोड्स बनी हुई हैं। क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया, अगर अभी हम मेला ग्राउंड की सड़कों पर दौड़ना चाहें जो अंदर बनी है, आप आराम से दौड़ सकते हैं। बट इसी अगर आप रनिंग को मान के चलें, कंटिन्यू करना चाहें, इन द मंथ ऑफ जनवरी सेकेंड संडे और शाम 5 या 6 बजे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मेला ग्राउंड वाली रोड पर दौड़ सकें? आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने लिया मंथ ऑफ जनवरी सेकेंड संडे ऑफ द जनवरी एंड इवनिंग 5 to 6 o'clock, कैन यू रन ऑन द रोड्स ऑफ द मेला ग्राउंड? कोई बता पाएगा हाँ या ना? बताए, किसी का जवाब है कुशाग्र का, नहीं सर। क्यों नहीं दौड़ पाओगे मुझे बताओ? आस्था का कहना है नो सर, क्यों नहीं दौड़ पाएंगे? आस्था जी क्या दिक्कत आ जाएगी? चाहिए आप लोगों का कहना है नहीं होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्राउडेड, बिल्कुल सही, क्योंकि जो ग्वालियर के रहने वाले हो ना बहुत अच्छे से मालूम है, इन द मंथ ऑफ जनवरी हमारे मेला ग्राउंड में मेला लगता है, ग्वालियर ट्रेड फेयर सेकेंड संडे इवनिंग 5 o'clock, दौड़ना तो बहुत दूर है आप उसको, उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, इतना क्राउड होता है बस। तो अगर ये क्लियर है तो आओ चलो देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इट इज़ नॉट ए हॉलो पाइप, इट इज़ नॉट एन ओपन रोड, इट इज क्राउडेड बाई दी अदर इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एट्रा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आगे, जैसे आप मेले में बढ़ते हैं टकराते हुए, जगह बनाते हुए, अब आपको समझ में आएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है, इट कोलाइड्स कंटिन्यूसली। जब इस रास्ते पे जाएगा
तो बराबर कोलाइड करता हुआ जाएगा, किससे कोलाइड करता हुआ जाएगा, विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। अब जब ये बराबर टकराता हुआ और जगह बनाता हुआ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो अपन सोच रहे थे सेम। मैंने कहा था एक्सलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, ये हमने कह दिया था फोर्स लगा दिया एक्सलरेट। एक्सलरेट का मतलब इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। हम ये सोच के मजे से सो गए कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज द कंडक्टर और द रोड इज क्राउडेड, इसको कंटिन्यूअसली कोलाइड करना पड़ेगा, और कोलाइड करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, या हम कहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सही कह रहे हैं आप, बढ़ेगी, बट डिक्रीजेज और कम्स टू जीरो ड्यू टू कॉलिजन, टक्कर की वजह से जीरो भी हो सकती है। देन इट रीस्टार्ट्स, दोबारा से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा। क्या है, क्लियर होता है? जैसा हमारी स्थिति मेले में होती है, घुस गए भीड़ में, झूला सेक्टर में, टकराए, फिर रुके, फिर बढ़े, फिर टकराए। इन द सिमिलर मैनर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, बट इट विल डिक्रीज, और इसके बाद क्या होगा, विल कम टू जीरो ड्यू टू द कॉलिजन। देन इस बात फिर रीस्टार्ट करेगा। और अगर ऐसा है तो पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर ए, जो हम आपसे बात कर रहे थे, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, ध्यान देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन चला, रुका, टकराया, फिर बढ़ा, फिर रुका, यानी कि द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट क्रॉसेस द कंडक्टर, जिस एवरेज स्पीड से कंडक्टर को क्रॉस करता है, वो आपकी किस नाम से यानी आती है, यही स्पीड कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड। ये पहला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द ड्रिफ्ट स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब आप पूछेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहाँ से घुस गई? अरे भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से स्टार्ट किया था। हमने कहा था ईच एंड एवरी मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। देखो ध्यान से, इन्हीं को तो पढ़ रहा हूँ। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स विच एक्सिलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स बट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली बिकॉज इट कोलाइड्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स आयन एंड एटम्स हेंस इट स्पीड्स डिक्रीजेज और इवन बिकम्स टू जीरो ड्यू टू द कॉलिजन देन इट रीस्टार्ट्स हेंस द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट क्रॉसेज द कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट स्पीड। तो पहला ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए। और क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अपने लिए दो मिनट का काम होगा इस डेरिवेशन को कंप्लीट करना। एफ बराबर एम ए, एफ मालूम है क्यू ई फोर्स होता है, एक वी बराबर यू प्लस ए टी, पिछले साल की इक्वेशन लगा देंगे, ड्रिफ्ट स्पीड निकल आएगी। ये कोई महान काम नहीं है, पहला काम था कंसेप्ट समझ में आए। आज सेकेंड नंबर पर आते हैं, कितना टाइम रहेगा? ठीक है, देख लो कितने मिनट में, भी लगभग दो तीन मिनट सेकंड है, दो तीन मिनट है, चलो मैं यही एंड करेंगे, बैटरी में लग रहा है बिल्कुल जाने पे। ये इसकी सेकंड नंबर आप जाएंगे, जो मैं कहता कॉलिजन, इन कॉलिजन की वजह से काम और होगा, और वो काम होता है, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस। ये आ गया बेसिक रीजन ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिक रीजन ऑफ रेजिस्टेंस भी आई होप सो कुछ के दिमाग में आ गया होगा। क्या है, समझ में आ रहा है जो बात कर रहा था, इट इज नॉट अ वाटर पाइप, इट इज नॉट अ लेजम, कि आपका सर से इलेक्ट्रॉन इधर से घुसा और दौड़ता हुआ दूसरे सिरे से बाहर निकल गया। यहाँ क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन सफर से लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स, दैट्स वाई द कंडक्टर, मैं रिपीट करता हूँ, द कंडक्टर ऑफर्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो चल रहा है इसके पाथ में कहीं ना कहीं ये कंडक्टर एक ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों करता है,
फिर वापस वहीं घुस जाएंगे आप उसी जगह। इसमें कहा था ये ध्यान से समझना, तीन जगह हम यूज करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड के डेरिवेशन में, फिर रेजिस्टेंस में, फिर एक और टॉपिक में, उसको भी अभी लेता हूं। जो मैं कह रहा था ऑब्स्ट्रक्शन कहां से आया, तो आप कहेंगे ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, सो दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है, रेजिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये है ऑब्स्ट्रक्शन, और ये ऑब्स्ट्रक्शन अपने पास आ रहा है ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कॉलिजन्स। क्या है, क्लियर हो जाता है। अब तीसरे और लास्ट नंबर पे जाते हैं, तीसरा आपने लिए था हीटिंग इफेक्ट। ये तीनों चीजें हम वन बाई वन पढ़ेंगे, तीन टर्न चार टर्न तक चलती है डेरिवेशन। हीटिंग इफेक्ट समझ में आ रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर कोलाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ मीटिंग एंड करेंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनना, खत्म हो जाए तो खत्म हो जाने देना। अगर हीटिंग इफेक्ट पे आप जाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ये होगा कि जब ये लगातार आपके कॉलिजन्स चल रहे हैं, तो आपने ध्यान नहीं दिया, ड्यू टू द कॉलिजन्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स देयर एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी किसी भी कंडक्टर से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास ओवर करते हैं, फिर आप वहीं पहुंचेंगे, देन दीज सफर ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक आयंस एटसेट्रा, एंड दैट्स वाई अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हीटिंग इफेक्ट पे जब आप जाते हैं, तो ये भी आपको क्या चीज बताता है, ये आपसे बताता है पार्ट ऑफ के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपीयर इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू कॉलिजन्स, और कौन से कॉलिजन्स वो आप पढ़ ही चुके हैं। तो तीन इफेक्ट समझ में आते हैं, पहली बात आपकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है, बार बार जो एवरेज स्पीड आ रही है वो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी, इट इज ड्यू टू द कॉलिजन्स, खत्म। देन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी आपका काय से आ रहा है ड्यू टू द कॉलिजन्स, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और तीसरा लास्ट आपका हीटिंग इफेक्ट भी किससे आ रहा है, ड्यू टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। इस पार्ट को हम अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है।